हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी एक और नई वीडियो में। और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद अहमद, और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं एक्सयूवी कार और एक हमारे पास है सेडान कार, जो हम दोनों आपको वीडियो में दिखाने वाले हैं। डिटेल आपको बताने वाला हूं और कौन सा मॉडल है, कौन सा ओनर है, कितनी चली है, कहाँ का रजिस्ट्रेशन है, डीजल इंजन में या पेट्रोल इंजन में, तो सारी डिटेल आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक ज़रूर देखना, ताकि आपको गाड़ियों की कंडीशन में आपको दिखा सकूँ और इन गाड़ियों की डिटेल आपको बता सकूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके जब भी हमारी नेक्स्ट वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी की सारी कंडीशन, ये किस कंडीशन में है, कौन सा मॉडल है और कहाँ का रजिस्ट्रेशन है, इसकी डिटेल्स क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी पूरी फ्रंट की लुक, ये XUV 500 2013 मॉडल में है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी लाइट, ये नीचे DRL लाइट है और महिंद्रा की कंपनी की ओरिजिनल लाइट लगी है, ये कहीं से कोई डैमेज नहीं है और पूरी गाड़ी ओरिजिनल पेंट में है। जैसे आप इस बोनेट की शाइनिंग देख लीजिए, पूरी गाड़ी ओरिजिनल पेंट में है। बम्पर देख लीजिए आप, पूरा ओरिजिनल पेंट का है, कहीं से कोई स्क्रैचेस नहीं है, पूरी गाड़ी एकदम क्लीन है, साफ कंडीशन में है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी राइट साइड की प्रोफाइल, तो आप देख सकते हैं गाड़ी कितनी फिनिशिंग में है और पूरी गाड़ी ओरिजिनल पेंट की है, कहीं भी कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं है, पूरी गाड़ी जेन्युइन है, कहीं भी कोई रिपेंटेड नहीं हुआ है। गाड़ी का आप राइट साइड का बैक टायर भी एक देख सकते हैं, बहुत अच्छी कंडीशन में है। कंपनी फिटेड इसके अंदर अलॉय व्हील लगा है, जो W8 में कंपनी फिटेड अलॉय व्हील आते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए ये पूरी बैक की प्रोफाइल है इसकी, कहीं भी कोई डेंट पेंट नहीं है, कहीं भी कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं है। महिंद्रा XUV 500 की ये बैचिंग है और आप देख लीजिए पूरी गाड़ी जेन्युइन है। अब मैं आपको इसकी लेफ्ट साइड दिखा देता हूँ किस कंडीशन में है। देख सकते हैं इसकी ये पूरी लेफ्ट साइड सारी की सारी ओरिजिनल पेंट में है, कहीं भी कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं है, सारी ओरिजिनल है। जैसे कि आप देख सकते हैं टायर भी बहुत अच्छी कंडीशन में है, लेफ्ट का फ्रंट टायर है अपोलो के, इसमें बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर डले हुए हैं। तो जैसे कि मैं आपको इसकी बाहर की पूरी कंडीशन दिखा चुका हूँ, तो मैं आपको इसका दिखाता हूँ अंदर से इंटीरियर किस कलर में है और किस कंडीशन में है। तो चलिए आइए देखते हैं इसका अंदर से इंटीरियर। आप देख सकते हैं गाड़ी के हम अंदर आ चुके हैं, अंदर से मैं आपको इसका सारा इंटीरियर दिखाता हूँ, इस गाड़ी के अंदर क्या फीचर है वो सारे मैं आपको बताने वाला हूँ और गाड़ी की किस कंडीशन में इसके सीट कवर हैं, सीट किस कंडीशन में है, डैशबोर्ड किस कंडीशन में, सबको ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसका डैशबोर्ड में देखेंगे तो ये सारा आपको म्यूज़िक सिस्टम का कंट्रोल मिल जाएगा, ये टच स्क्रीन म्यूज़िक सिस्टम है इसका, इसके अंदर सारी नेविगेशन वगैरह, मेन्यू वगैरह सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाएगा। वीडियो चलानी है, आपने नेविगेशन लगानी है, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। ये सारे AC के कंट्रोल मिल जाएंगे आपको, ये हीटर का है, आपने कितनी इसकी टेम्परेचर कितना हाई है कितना लो है, ये आपको फ़ैन की स्पीड का मिल जाएगा, आपने कितनी स्पीड है कितनी लो करनी है कितनी हाई करनी है, सारे आपको ये स्पीड मिल जाएगी, सारे AC के कंट्रोल हैं। अगर हम बात करें इसकी स्टेयरिंग की, तो स्टेयरिंग में आपको सारे कंट्रोल मिल जाएंगे, इधर म्यूज़िक सिस्टम का आपको कंट्रोल मिल जाएंगे, क्रूज़ कंट्रोल, इधर ये भी सारे कंट्रोल मिल जाएंगे आपको। अगर हम इसकी बात करें तो ये आर्मरेस्ट विद स्टोरेज और ये कफ होल्डर जहाँ पर हमारी ये माइक की वायर है। और अगर आप सीट्स की बात करें तो बहुत ही अच्छी कंडीशन में W8 के अंदर यही सीट कवर कंपनी फिटेड आते हैं। देखते हैं इसकी रियर सीट भी बहुत अच्छी कंडीशन में है और पूरी एकदम क्लीन है और कंपनी फिटेड इसके जो W8 के अंदर सीट कवर आते हैं वो कंपनी फिटेड सीट कवर हैं। अगर आप यहाँ की बात करें तो यहाँ का आपको ये कप होल्डर मिल जाएगा और ये भी बहुत अच्छी कंडीशन में है। और अब मैं आपको इसकी दिखा देता हूँ बोट में कितना स्पेस है और बूट के बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसके इंजन की कैसी कंडीशन है। तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक ज़रूर देखना, इसकी बिल्कुल नहीं करनी है, इंजन की कंडीशन आपको दिखाऊंगा ताकि आपको पता लग सके गाड़ी का इंजन किस कंडीशन में है, गाड़ी आगे से कहीं एक्सीडेंट या रिपेंटेड वगैरह तो नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो चलिए आप चलते हैं इसके बूट स्पेस देखते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे हम इंजन की कैसी कंडीशन है। देख सकते हैं आप इस गाड़ी का बूट, अगर आप बूट की बात करते हैं तो ये अगर आप ये सीट्स हैं, क्योंकि ये XUV 500 सेवन सीटर में आती है, अगर आप इसको ओपन कर देंगे तो ये सेवन सीटर हो जाएगी, ये देख लीजिए ये पूरी सेवन सीटर हो जाएगी। अगर आप इसको नीचे फोल्ड कर देंगे तो ये आपका बूट स्पेस मिल जाएगा, इतना बूट स्पेस आपको मिल जाएगा। अगर आप सीट ओपन कर देंगे तो ये सेवन सीटर बन जाएगी, अगर आप ये सीट नीचे डाउन कर देंगे तो ये आपको बूट स्पेस इसका बन जाएगा। तो अब चलते हैं इसका इंजन की कंडीशन में, आपको दिखाता हूँ किस कंडीशन में आपका इसका इंजन है। तो अब हम आ चुके हैं इसकी गाड़ी के फ्रंट पे और जो कि हमने अब इसका बोनट ओपन करके हमने देखना है इसका इंजन, कहीं ये गाड़ी एक्सीडेंट तो नहीं है आगे से और मतलब कहीं से कोई टचिंग वगैरह तो नहीं है और किस हाल में इसका इंजन है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अब इसको करते हैं ओपन, ये देख लीजिए इंजन की कंडीशन, जो कि बहुत ही साफ़ कंडीशन में इंजन है, कहीं भी कोई लीकेज वगैरह नहीं है, कहीं भी कोई
एक्सीडेंट वगैरह कहीं से नहीं है। जैसे कि आप देख लीजिए गाड़ी का इंजन किस कंडीशन में है। अगर मैं एक्सीडेंट की बात करूँ तो ये लेफ्ट का आपका ये एपरन देख लीजिए, बहुत ही जो अच्छी कंडीशन में है, जेन्युइन जो कंपनी की इसकी सील्ड है, जो कंपनी फिटेड है, कहीं भी कोई इस पर अभी तक कहीं से भी टचिंग वगैरह नहीं है। अगर हम एक्सीडेंट की बात करें तो इस गाड़ी की हमारी नॉन एक्सीडेंट की पूरी गारंटी है। राइट का भी आप एपरन देख सकते हैं, कंपनी फिटेड है इसकी सील्ड, कहीं भी कोई मतलब टचिंग वगैरह नहीं है। तो अगर हम इस गाड़ी की एक्सीडेंट की बात करें तो इस गाड़ी की नॉन एक्सीडेंट की पूरी गारंटी है हमारी, क्योंकि ये गाड़ी एक्सीडेंट नहीं है, कहीं से कोई डेंट पेंट नहीं है, टचिंग वगैरह नहीं है। अगर अब हम बात करें इस गाड़ी का मॉडल कौन सा है और किस प्राइस में ये हमें मिलने वाली है, तो इसका मॉडल है 2013 मॉडल है ये, और W8 इसका वेरिएंट है। तो W8 टॉप मॉडल में आता है, जिसके अंदर मतलब काफ़ी सारे फीचर्स वगैरह आते हैं W8 में, जो आपको मैं दिखा चुका हूँ। इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस हमने इसका बहुत ही कम प्राइस रखा है, जो कि इसका हमने प्राइस रखा है 5,35,000, मतलब 5,35,000 रुपये प्राइस है ये 2013 मॉडल। अगर मैं इसकी रनिंग की बात करूं तो ये 54,000 किलोमीटर चली है, कंपनी सर्विस रिकॉर्ड। अगर आपने अपनी सेटिस्फेक्शन करनी है तो महिंद्रा सर्विस सेंटर में आप इसका रिकॉर्ड चेक भी करवा सकते हैं, जो हमने आपको बताया है 54,000 किलोमीटर, वही आपको कंपनी में भी मिलेगा। और नॉन एक्सीडेंट की हमने आपको बता चुके हैं, इसकी गारंटी रहेगी पूरी। गाड़ी बहुत ही अच्छी साफ़ कंडीशन में है। अगर आपने ये गाड़ी परचेज़ करनी है तो आप गैलेक्सी कार पर विज़िट कर सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग करनी है तो आप ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं। इस गाड़ी पर 0% फाइनेंस अवेलेबल है, आपने कोई डाउन पेमेंट नहीं देनी है, 100% फाइनेंस हो जाएगा। अगर आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हैं, फाइनेंस की कोई दिक्कत, अगर इसकी NOC चाहिए तो NOC भी अवेलेबल हो जाएगी आपकी। अगर आपने इसकी RC ट्रांसफ़र करानी है तो RC भी ट्रांसफ़र हो जाएगी, ट्रांसफ़र में, NOC में, फाइनेंस में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर आपने ये गाड़ी परचेज़ करनी है तो देर ना करते हुए आप ऑनलाइन भी बुकिंग करा सकते हैं, गैलेक्सी कार पर विज़िट भी कर सकते हैं।